हूँ अभिलाषा दुबे, इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिरसा नगर के नन्हे तिवारी हत्याकांड के मामले में शनिवार को उद्भेदन करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इन मामले में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ब्रह्मा गोराई को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा अभियुक्त नकुल गोराई को भी पुलिस ने देर रात शहर के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तमिल वर्णन ने हत्याकांड के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि हत्या का मुख्य कारण बिरसा नगर जोन 3B और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध व्यवसाय को लेकर क्षेत्र वर्चस्व का विवाद था, जिसको लेकर नन्हे तिवारी और ब्रह्मा गोराई के बीच अक्सर विवाद हो रहा था। घटना की रात भी ब्रह्मा गोराई घटनास्थल के पास से गुजर रहा था। इसी बीच नन्हे तिवारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की। घटना की रात भी ब्रह्मा गोराई घटनास्थल के पास से गुजर रहा था। इसी बीच नन्हे तिवारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की। इसके बाद ब्रह्मा ने नकुल गोराई और उसके एक अन्य साथी को फोन कर बुलाया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर नन्हे तिवारी का हाथ और पैर पकड़कर गला रेता और फिर पत्थर से कुचलकर फरार हो गए। आपको बता दें कि नन्हे तिवारी पूर्व अपराधी रह चुका था और नशीली पदार्थ बिक्री करने के मामले में फरार था, जिसको लेकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच 31 अगस्त और 1 सितंबर के मध्य रात्रि इन अभियुक्तों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस CCTV और अपने सूत्रों के सहयोग से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार की है। वहीं तीसरे अभियुक्त की भी जल्द गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। सितंबर 1 तारीख को बोर में बिरसा नगर में जोन नंबर 3B में एक गली पे जो है अनिकेत तिवारी उर्फ नन्हे तिवारी नामक व्यक्ति का निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें हम लोग ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन किए थे, जिस टीम के द्वारा अच्छी तरीके से कार्रवाई करते हुए वहां का हम लोग को जो मिले CCTV फुटेज एवं हम लोगों का सूचना संग्रह और पुराना उनका जो इतिहास रहा, क्योंकि जेल वगैरह भी गए थे उन्होंने, तो उस पूरे चीज को हम लोग को स्टडी करते हुए अभी इस हत्या का हम लोग खुलासा किए हैं, जिसमें अभी दो आदमी हम लोग को गिरफ्तार हुए हैं। एक है ब्रह्मा गोराई और दूसरा है नकुल गोराई, और इन दोनों पूछताछ करने पर इन लोगों द्वारा ये एक्सेप्ट भी किया गया है कि हम लोग जो घटना को खारिज किए थे। बैकग्राउंड ये था कि जो जोन नंबर 3B बिरसा नगर का वर्चस्व को लेकर नन्हे तिवारी और ब्रह्मा गोराई के बीच में पहले से ही इन लोगों के बीच में विवाद चल रहा था, और उसी दिन जो घटना का दिन था उस समय ब्रह्मा गोराई ने कहीं पार्टी करके आ रहे थे, उस समय नन्हे तिवारी ने उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया, उनको धमकी दिया तुमको मतलब कुछ दिन में मार देगी, तो उन्होंने गुस्सा होकर फिर अपने दोस्त जो है नकुल गोराई एवं अन्य एक दोस्त को उन्होंने बुलाया और ये तीनों जो है उनको पकड़ के उनको जो गला रेत के मारते बदल कर दिए थे। और इनके जो पूछताछ के बाद हम लोगों को जो घटना में शामिल चाकू बरामद हुआ है, मोबाइल हम लोगों को बरामद हुआ है, और उसके अलावा जो घटनास्थल में एक हम लोग को चेन मिला था, तो वो चेन भी जो है ब्रह्मा गोराई का है, वो भी हम लोग घटनास्थल से रखे हुए हैं, वो भी अभी प्रूफ हो गया है कि यही लोग वहां पर घटना में कार्य करने में अंजाम देने में थे। और तीसरा भी तो हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, और ये टोटल जो है घटना का 3 आदमी इन्वॉल्व है, उसमें 2 गिरफ्तार है और 1 जो है हम लोग जल्दी गिरफ्तार। गला रेतने में कौन था सर, नकुल था कि ब्रह्मा था? ये गला रेतने में जो है ब्रह्मा गोराई भी थे, नकुल गोराई चाकू लेके आने में थे, और दूसरा जो व्यक्ति बता रहे हैं वो गला रहते हैं, छाती में बैठ के उसे वो गला रहते थे जो फरार है। वर्चस्व के अलावा किस बात को लेकर सर? ये उस एरिया में जैसे इन लोगों का हमेशा याद रखता कि NTPS केस में ये लोग वांटेड थे जो मृतक है, तो NDPS को लेके प्लस उसके बाद वहां का छोटा मोटा जो है ये होता है कि मार्केट विवाद में कौन क्या किसके पार्टी में साइड लेगा, किसको सपोर्ट करेगा, तो इसी बीच को लेके बड़ा कोई डाउन या कुछ टाइप का नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो अपने चीजें होती है ईगो के लेके इन लोगों के बीच में लड़ाई था अपने एरिया में, कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, तो उसी का मेनली कारण यही है। सर इसमें ड्रग्स का जो मामला है इसी के चलते घटना घटी है, तो जहां से सप्लाई हो रहा है जहां से इन लोग खरीदे क्या उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो? इसमें जो है ड्रग्स का मामला तो नहीं है, लेकिन जो मृतक है वो उस समय जो है बॉटल हम लोग को मिला था, वाइटनर वाला बॉटल वो सेवन किया है, वो मतलब हम लोगों को मालूम पड़ा था, लेकिन बाकी जो जहां तक NDPS का बात है नक्सली पदार्थ का रेट का बात है, हम लोग पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार स्पेशल टीम करके हम लोग अभी तक टोटल जनवरी से लेकर अभी तक हम लोग 71 लोगों को 71 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, उसमें 9 महिला भी उसमें शामिल है जो पेटलर के रूप में है, और हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आ रही है पदार्थ ये कहाँ से आ रही है, तो ये जब पूछताछ होती है तो हम लोग को टू सम एक्सटेंट जाता है, उसके बाद हम लोग ब्लैक हो जाता है कि ये बंदा फिर कहाँ से लेकर आया, जैसे या उड़ीसा की तरफ से आता है या नहीं तो नेपाल की तरफ से गुजार होते हुए आता है, हम लोग इसमें लगातार प्रयास है, अन्य स्टेट से भी हम लोग संपर्क में हैं, अन्य जिला से SP से भी हम लोग संपर्क में हैं,
हम समझते हैं कि कुछ दिन के बाद हम लोग कुछ दिन में ही हम लोग इसमें कोई सफलता पाएंगे, तो बड़ा जैसे छोटे छोटे आदमी जुड़ के बड़ा वाला जो है वो हम लोग लग सकता है। नकुल तिवारी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? नकुल गोराई का, गोराई गोराई का जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे है, 12 बड़े के आसपास उनको लोकेशन है, तो वहाँ से हम लोग जाके। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।